अगर मैं रियल में बताऊं तो आज से कुछ साल पहले मैंने फर्स्ट वीडियो जो मेरा बनाया था जिसपे व्यूज आए थे वो IUNPU के ऊपर था, जिसमें पायल जून ने इनको रोस्ट किया हुआ था। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो बनाया, एक ही दिन में उसमें 1 लाख व्यूज आ गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, रात के 2 बजे मुझे पायल जून का जो मैसेज आया कि ये वीडियो हटा दो वरना मैं तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक दे दूंगी। मैंने डर की वजह से, क्योंकि मेरा नया नया चैनल मोनेटाइज हुआ था, कहीं वो मुझे स्ट्राइक दे दे, मैंने वो वीडियो हटा दिया। हटाया क्या, हाइड कर दिया था, अभी भी है वो, आप देख सकते हो। लेकिन उसके बाद फिर मैंने थंबनेल चेंज करने शुरू कर दिए। ठीक है, जैसा ये थंबनेल था, मैंने थंबनेल इसलिए लगाया क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला था, और ज़्यादातर वीडियोज़ मैंने पैलजन को रोस्ट किया है क्योंकि उसने IUNPU के बारे में भी काफ़ी अनठंड बोला हुआ था। उस वक्त एक बहुत अच्छा स्टार्टअप हो सकता था अगर मैं शायद वो वीडियो ना हाइड करती। उसके बाद मेरी उससे बात भी हुई थी पायल जून से, उसको तब स्ट्राइक देना आता भी नहीं था और वो मुझे धमकी दे रही थी कि मैं तेरे को स्ट्राइक दूंगी। मतलब अगर आप देखोगे, टॉक्सिक ने भी वीडियो बनाई पायल जून के ऊपर, लेकिन सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी पायल जून के ऊपर, जिसमें उसने मुझे पहले ही वो कर दिया था कि ये हटा दो वरना मैं तुम्हें स्ट्राइक दे दूंगी। मुझे लगता है मेरे लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था वो, उस टाइम पे वो वीडियो को हाइड करना। मुझे वो वीडियो बिल्कुल हाइड नहीं करनी चाहिए थी, स्ट्राइक देती तो दे देती, देख लेते। मैंने बहुत बड़ी गलती की वो वीडियो उस टाइम पे हटा के। उसके बाद, क्योंकि जब आपकी वीडियो पे व्यूज आ रहे होते हो, आप एकदम से उसको हाइड कर देते हो तो एकदम से रीच कम हो जाती है, तो उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपके चैनल पे। मेरे साथ भी वही हुआ था, जो वीडियो चल रही थी जैसे रिफ्रेश कर रही थी, एक एक रिफ्रेश करने से 1-1 हज़ार व्यूज़ बढ़ रहे थे, और अचानक से वो वीडियो हटा देना, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी क्या लगता होगा कि जो वीडियो बार बार चल रही है आपने एकदम से उसको यूट्यूब से ही हटा दिया, उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपके चैनल पे। मुझे लगता है मुझे वो वीडियो नहीं हटा